ठीक है, सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, आप अनुराग जी को बोलने दीजिए, तौसीफ खान भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, हमने सुना है कि सोनिया गांधी की ईडी में पूछताछ के मुद्दे पर विपक्ष जब हस्ताक्षर कर रहा था तो समाजवादी पार्टी ने उसमें साइन नहीं किया है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कई पार्टियों ने, तीन चार पार्टियों ने साइन नहीं किया है। अब सवाल यह है कि विपक्षी एकता कैसे बनी रहेगी? आपने देखा द्रौपदी मुर्मू के मामले में, देखिए क्रॉस वोटिंग, आपको पता है सर कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है? जी जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। और चाचा शिवपाल यादव जी भी बोले हैं आज कुछ सर, वो भी बता रहे हैं कि बहुत क्रॉस वोटिंग हुई है, उन्होंने यशवंत जी का पुराना बयान सुनाया। अच्छा, अब आप सुन लीजिए, सही बात तो ये है कि देश में जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है और देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, तो जनता करती है, और जनता जब चुनती है तो जनता अपने मुद्दों को लेकर चुनती है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख के वोट डालती है। तो जनता ने जिनको चुना था, चाहे आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, जो 40 विधायक पता नहीं किस लालच में व्यक्तिगत लाभ के लिए चले गए, जनता के लाभ के लिए नहीं, जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन वो चले गए 5-स्टार होटल में, वो चले गए रिजॉर्ट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं उन्हें देने लेने की, वो अपनी देने की व्यवस्थाओं को, वो माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन जनता को कैसे आप इस तरह का रिजॉर्ट। समाजवादी पार्टी से कितनों ने क्रॉस वोटिंग की ये बताइए। उसमें भी आ रहा हूं। आप जनता, कितनी जनता को, 130 करोड़ की जनता को तो आप 5-स्टार होटल में नहीं ले जा सकते, ना उनको सुविधाएं दे सकते हो आप बहुत तेज से चिल्ला रहे हो कि आपने आदिवासी समाज की महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया, इसके लिए बधाई, बनाना भी चाहिए था, लेकिन आज ही आप अनाउंस कर दीजिए कि आदिवासी समाज के लिए जो पिछड़ा है, वंचित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, कल के बाद से जो 5% आपने जीएसटी बढ़ाई है, आटा, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ, पनीर, आप वापस ले लीजिए, वापस ले दीजिए, ये जो आदिवासी समाज उसको बड़ी राहत मिलेगी, दलित समाज को भी राहत मिलेगी, आप कीजिए ना। आप समाज के लिए भला नहीं करना चाहते, आप राजनीतिक भला देखते हो, राजनीतिक किससे आपकी मार्केटिंग इवेंट क्रिएट होगा, किससे राजनीतिक माहौल बनेगा, इसकी चिंता करते हो। अगर आपको आदिवासी समाज की चिंता है, दलित समाज की चिंता है, तो आप 5% जीएसटी उनसे वापस लीजिए, वो तो परेशान लोग हैं। और दलित समाज का तो आपने देखा ही, खटिक साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है, कह रहे हैं कि भैया मैं 3 महीना मंत्री बने हो गए, ना मुझे डिपार्टमेंट का पता, ना कोई अधिकारी मेरी सुनता है, मुझे उपेक्षित किया जाता है। ये आपकी सरकार में हाल है वंचितों का। दूसरी बात, जहां तक आप सवाल उठा रही थी कि जो विधायक और सांसद जो क्रॉस वोटिंग करते, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत लाभ के लिए तो कोई जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें को क्या व्यक्तिगत लाभ है? अरे व्यक्तिगत लाभ देखिए, देखिए ना, वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई, आज ही सिक्योरिटी दे दी गई, माने इतने दिन तक किसी को जान का खतरा नहीं होता है, वोट मिलने के बाद सबको जान का खतरा हो जाता है, अनुराग भदौरिया को तो नहीं मिलती। जब शिवपाल यादव, अनुराग जी, जब शिवपाल यादव खुद खुलकर उन्होंने वोटिंग से पहले कहा था कि आईएसआई एजेंट मुलायम सिंह यादव को कहा है यशवंत सिन्हा ने, उनके लिए हम वोट नहीं देंगे, हम तो द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट देंगे, क्यों नहीं आप लोगों को यह बात समझ में आई? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में नहीं आती है, जो प्रभु राम को गाली देते हैं, विस्की में विष्णु बताने वाले को दोनों हाथ से अपने पार्टी में ले लेती है, ठीक है, जवाब दीजिए, बेटे को रम का मंत्री बना देती है, आपके पास बोलो, सुनिए एक और प्रभु राम को दशरथ का बेटा नहीं मानने वाले जो उत्तर प्रदेश में निषाद साहब है, उनको मंत्री बना के रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए, और जिनको भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी, सोचे आप, ऑडियो देख लीजिए, गाली देते हुए राजगुरु जी उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे देते। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं अंजना जी, सत्ता से लेने देना है, सत्ता की मलाई खानी है, सत्ता के अलावा उनको कोई मतलब नहीं है, जनता मर जाए तो मर जाए, ठीक है। तीनों की बातों का जवाब दीजिएगा एक साथ, क्योंकि नासिर साहब से भी एक कमेंट ले लूं, उसके बाद एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। नासिर साहब, विपक्षी एकता कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? आपने देखा टीएमसी अब कह रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो एब्सटेन करेंगे, मार्गरेट एल्वा का जो चयन किया गया उसमें उनसे कंसल्ट नहीं किया गया। देखिए, पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि हम तमाम पार्टीज जो है अलग पार्टीज हैं, अपनी आइडियोलॉजी अलग है, हमारे प्रोग्राम्स अलग हैं, हमारे पॉलिसीज अलग हैं, मुद्दों पे, इश्यूज पे हम लोग एक होते हैं। अब मेरे से पहले शिवसेना की स्पोक्सपर्सन ने बताया कि कैसा राष्ट्रपति इलेक्शन में पहले भी जो एक अलायंस ही दूसरे अलायंस में वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनरली अभी तक यह देखा गया कि जो रूलिंग पार्टी सेंटर में रहती है उसका कैंडिडेट जीतता है ज्यादातर, और बहुत ज्यादा वोट लेके जीतता है। अब पहले शिवसेना जब बीजेपी के साथ में थी, प्रतिभा पाटिल मैम को और प्रणब मुखर्जी साहब को उन्होंने वोट किया। जेडीयू जब बीजेपी के साथ थी तो प्रणब मुखर्जी साहब को वोट किया।
जब कांग्रेस और आरजेडी के साथ में थे, कोविंद साहब को वोट किया उन्होंने। ये जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में इस तरीके के जो है अपोजिशन में रह के रूलिंग कैंडिडेट को वोट करना, रूलिंग में होके अपोजिशन कैंडिडेट को वोट करना, ये चलते आए, ये नई बात कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है, आप बार बार ये कह रहे हैं अपोजिशन यूनिटी, आप ये बताइए एनडीए में कितने लोग, जब एनडीए बनी थी जब से लेके अब तक कितने लोग एनडीए में टिके हुए हैं? ये शिवसेना एनडीए में थी, बाहर निकल गए। अकाली दल एनडीए में थी, बाहर निकल गए। बीजेडी के साथ कभी इनका हां होता, कभी इनका ना होता है। बसपा कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करती है, कभी बाहर होती है। वाईएसआरसीपी के साथ, टीआरएस के साथ, ये जो इनके रिश्ते जो एनडीए में भी जो हुए हैं, तो उसके बारे में भी तो चर्चा कीजिए। अपोजिशन की जो यूनिटी है वो नासिर साहब, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, इसलिए उठ रहा है, कल भी देखिए कि इन पार्टियों के नासिर साहब, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है सांसद जी, कि ये देखिए, ये इनके आने और जाने से भी इनकी स्थिति सरकार में वैसे ही बनी हुई है, ये सरकार में है, लेकिन विपक्ष को एकजुट होना होगा अगर 24 में ललकारना है तो। इसीलिए ये सवाल और ये बहस आज हम कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट चुनाव, सर देखिए एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का आरोप तो हर पार्टी लगाती है। देखिए नासिर साहब, चाहे वो शिवसेना हो, उन्होंने भी कहा कि वहां पर ले गए और ईडी की जांच सब पर चल रही थी। ये अखिलेश यादव भी यही आरोप लगाते हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी की पार्टी ने कल जब सोनिया गांधी की बात आई कि उसके खिलाफ लिखा जाए कि ईडी से उनकी पूछताछ हो रही है, तो समाजवादी पार्टी ने हस्ताक्षर नहीं किया। अब आप आरोप वही लगा रहे हैं सभी कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साइन नहीं किया। देखिए पहले आपको ये चीज समझना चाहिए कि हर मुद्दे पे अलग अलग स्टैंड अलग अलग पार्टी का होता। कल मैं उस ऑल ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में था, जितने वहां पे मौजूद थे, जितने कम टाइम पे, कम टाइम जो दिया गया था उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जितने पार्टियां वहां पे आए उतने पार्टियों से सिग्नेचर करके प्रेस को रिलीज किए। कल पार्लियामेंट के अंदर सारे अपोजिशन पार्टीज इस मुद्दे पे वॉकआउट किए, एडजमेंट मोशन मूव किए, हंगामा किए और बाहर आए। अब इसमें यह जरूरी नहीं कि फलानी पार्टी ये मीटिंग में क्यों नहीं है, फलानी पार्टी यहां साइन क्यों नहीं है, अब टीएमसी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं कर रही। भाई हर पार्टी के अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव और लोकसभा के चुनाव को एक मानेंगे? इसमें तो पूरा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं, उसमें तो आम जनता वोट करती है। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। अब लोकसभा जब आएगी, जितने मुद्दों को अभी मेरे से पहले दो स्पोक्स पर्सन यहाँ पे चर्चा की और आपके सामने रखे, उन तमाम मुद्दों के ऊपर बहस होगी चुनाव के पहले। अलायंसेस, काउंटर अलायंसेस बनेंगे, प्री पोल अलायंसेस बनेंगे, पोस्ट पोल अलायंसेस बनेंगे। अब ये अगर आप ये जताना चाह रहे हैं पूरे देश को कि एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जो 75 साल से लगातार जीतते आ रहा है वो जीत गया, इसलिए 2024 का जो हम चुनाव जीत गए, हम ये इस बात को नहीं मानते। बात मुद्दों पे होगी और मुद्दे लगातार अपोजिशन संसद के अंदर और संसद के बाहर सड़कों पे उठा रही है, और उन मुद्दों पे चुनाव होगा।